नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी नए नए यूट्यूबर हैं और आपको भी अपनी वीडियो को प्रमोट करने में दिक्कत आ रही है और आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो प्रमोट हो जाए, और तो इसके लिए आपको कुछ साइट्स आती हैं जो पेड प्रमोशन भी करती हैं, लेकिन आज मैं आपको गूगल एड्स के बारे में बताऊंगा, जो गूगल एड्स के थ्रू अपने वीडियो को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर के क्रोम ब्राउज़र पर जाकर ऐड का कैंपेन चलाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे गूगल एड्स और आपके पहली लाइन में जैसे आप देखेंगे कि आपको लिखा मिलेगा गूगल एड्स साइन इन टू गूगल एड्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है स्टार्ट एंड गेट ₹2000 इन एड क्रेडिट। ये गूगल का एक स्कीम चल रहा है 7 जुलाई तक। इसमें अगर आप अपने गूगल एड अकाउंट पे जो भी आप मनी खर्च करेंगे उसमें अप टू ₹2000 तक आपका अकाउंट में गूगल वापस कर देगा। तो यहाँ पर आप सिंपल अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम नॉट ए रोबोट, आप इस पर चेक करेंगे। उसके बाद जो इंटरफेस आएगा उस पर आप वेरीफाई कर दीजिएगा, फिर आप गेट ऑफर कोड पर क्लिक करेंगे। गेट ऑफर कोड पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ ऊपर जो ईमेल अकाउंट डाला हुआ है उस पर आपको एक ऑफ़र कोड का एक ऑफ़र कोड आपके उस ईमेल में जाएगा। वहाँ से उस ऑफ़र कोड को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको वापस इसी साइट पर आपको फिर से वापस आना है। यहाँ से आप गेट स्टार्टर पर क्लिक कर दीजिएगा। गेट स्टार्टर पर क्लिक करने, चूंकि देखिए मैं पहले से ही मैंने कुछ अपना एड्स चला रखा है तो मुझसे ये यहाँ पर ये चीज़ें आ रहा है जिसको, तो आपको इस पर नहीं क्लिक करना है। ये अगर आप पहली बार चला रहे हैं तो आपका आपसे ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। आप सीधे, तो अगर आप आता भी है तो आप इसमें न्यू गूगल एड्स अकाउंट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे ये तीन ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट सेल्स और साइन अप्स, गेट मोर विजिट्स टू योर फिजिकल लोकेशन। ये तो आपको करना नहीं है, आपको तो अपनी वीडियो प्रमोट करनी है। तो आप नीचे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, आर यू ए प्रोफेशनल मार्केटर स्विच टू एक्सपर्ट मोड, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको लास्ट में ऑप्शन में देखने मिल रहा है कि क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल गाइडेंस, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको अपनी वीडियो प्रमोट करनी है तो वीडियो वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे। फिर आपको पहली लाइन में है कि कस्टम वीडियो कैंपेन, आपको इसी पर रहने देना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर ये अगला पेज जो खुलेगा, ये सारी चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन आपको इसी पेज पर भरनी है ऊपर से नीचे तक। तो हम ऊपर से शुरू करते हैं। वीडियो कैंपेन है पहला, इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट है कैंपेन नेम, तो यहाँ पे आप अपनी वीडियो की जो आपकी टाइटल है वो आप लिख सकते हैं। ये आप, फिर बिडिंग स्ट्रेटेजी है तो आप इसको मैक्सिमम CPV पे ही रहने दीजिएगा। ये है कॉस्ट पर व्यू, यानी जितने व्यूज़ आपके चैनल पे आएंगे आपके वीडियोस पे उसी के अनुसार पेमेंट आपकी कटेगी। वो कैसे कटेगी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा इसमें। फिर आप अपने कैंपेन का, वीडियो कैंपेन पे आप कितना खर्च करना चाहते हैं, क्या आपका टोटल है, तो आप मान लीजिए मैं ₹100 अभी रख देता हूँ। उसके बाद आप अपनी वीडियो की कैंपेन कब से कब तक चलाना चाहते हैं, तो आज 28 जून है तो मैं 28 ही रख देता हूँ। इंड डेट में आप कोई डेट रख दीजिए, 15 जुलाई में मान लीजिए रख लेता हूँ। तो ये अब मुझे बता रहा है कि ₹100 के कैंपेन पर मेरी टोटल अमाउंट जो पर डे की कास्ट आएगी वो ₹5.56 मेरा डेली बजट बन रहा है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप यहाँ पर जितना अमाउंट बढ़ाएंगे ये भी अपने आप बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट है नेटवर्क, यूट्यूब सर्च रिजल्ट, यूट्यूब वीडियोज़, आप कहाँ पे अपने वीडियोज़ को चलाना चाह रहे हैं तो आप हर जगह चलाइए। किस टाइप के लैंग्वेज के लोगों को आप दिखाना चाह रहे हैं, कौन से व्यूवर्स को, तो आप हिंदी व्यूवर्स को ही दिखाइए, तो आप यहाँ पे हिंदी डाल सकते हैं। हिंदी देखिए आ गया। उसके बाद किस कंट्री में आप दिखाना चाहते हैं, यदि आप इंडिया में दिखाना चाहते हैं तो ठीक है इंडिया क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज़ आप इंटर अनदर लोकेशन पर आप क्लिक करके अलग अलग कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेपाल, तो देखिए पहली लाइन में यहाँ पर नेपाल आ गया, इसको मैं क्लिक करूँगा और ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे नेपाल, आप इंडिया लिखेंगे इंडिया आ जाएगा। जिस भी कंट्री में आप अपना वीडियो दिखाना चाहें वहाँ पर आप क्लिक करके
इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इंडिया ही रखूँगा क्योंकि मुझे तो इंडिया में ही दिखाना है। अब इन्वेंट्री टाइप की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री ही रहने दीजिए। इसमें इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत है नहीं। आपको सिंपल अपनी वीडियो की ऐड चलानी है तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप इस सबको ऐसे ही रहने दीजिए। ऐड ग्रुप नेम आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, या अपने वीडियो का टाइटल आप जो ऊपर आपने लिखा था वो डाल सकते हैं आप, या आपको जी जो मर्जी करे। डेमोग्राफिकल में आप दिखा सकते हैं, ये पूछता है कि आप किन किन लोगों को आप दिखाना चाह रहे हैं, किस एज ग्रुप में, किस जेंडर को, या पेरेंटल स्टेटस उनका क्या है, हाउस होल्ड इनकम उनकी क्या है, कैसे। तो आप सबको दिखाइए वीडियो, क्या ज़रूरत है मुझे इनको दिखाना है इनको नहीं दिखाना है, आप सबको दिखाइए। इसके बाद अगला है कि किस टॉपिक पर सर्च करने वाले लोगों को आप वीडियो दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आप ऑल ही रखिए, कोई मतलब है नहीं। फिर प्लेसमेंट, हालांकि इस पे आप चूज़ कर सकते हैं कि जैसे मेरा टेक्नोलॉजी का वीडियो तो मैं टेक्निकल रिलेटेड जो सर्च हो उस पर मैं दिखाऊं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा ये ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं नीचे, ये इस समय 7.1 बिलियन। अगर मैं यहाँ पर किसी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक कर दूँ तो ये अपने आप देखेंगे, देखिएगा आप कम हो जाएगा। ये देखिए कितना कम हो गया, ये अब इतने। तो इसको आप मत ही करिए, तो आपका जो इनका स्कोप है दिखाने का ये बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्लेसमेंट, किस कहाँ पर आप दिखाना चाहते हैं, तो आप हर जगह दिखाएं, यूट्यूब चैनल पे भी दिखाइए, यूट्यूब वीडियो पे, लाइव वीडियो लाइनअप्स में भी लगाइए, हर जगह आप दिखाइए। एक ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ये एडवांस एडिशनल सेटिंग, यहाँ पर ये पूछता है कि आप किस डिवाइस पर आप दिखाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट था जो मुझसे छूट गया, ये कंप्यूटर, मोबाइल, टेबलेट और टीवी स्क्रीन। तो आप यहाँ पर चाहे तो आप चारों छोड़ सकते हैं, या क्लिक करने के बाद आप किस स्क्रीन पर दिखाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं कहूँ मैं अपने मोबाइल पे केवल मैं दिखाना चाह रहा हूँ, तो आप इसको हटा के आप मोबाइल पे आप सेट सकते हैं, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये सब वैसे ही रहेगा। अब आ गया कि जो आपने कास्ट पर व्यू आप सेट करना चाहते हैं वो कितना, आप अपनी एक व्यू के लिए आप कितना पैसा देना चाहते हैं। तो उसके लिए आप जैसे मैं सिंपली 20 पैसा ज़्यादातर रखता हूँ, तो आप यहाँ पे 20 पैसा लिख दीजिए। और फिर यह लास्ट में आएगा कि आप अपने किस वीडियो को ऐड कराना चाहते हैं, किस वीडियो का आप ऐड करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ सिंपल अपने वीडियो का यूआरएल उसका लिंक पेस्ट करना है। तो इसके लिए आप अपने जिस वीडियो को आप अपने लिंक करना चाहते हैं वहाँ उस वीडियो का आप, जैसे मैं पहली वीडियो कहीं अगर ले लूँ तो आप इसको शेयरेबल लिंक पे आप यहाँ क्लिक कर लेंगे। शेयरेबल लिंक आपको लेने के लिए देखिए आपको जी स्टूडियो पर जाना है अपने चैनल के, और उसके बाद वीडियोस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी वीडियोस खुल जाएगी। यहाँ से आपको देखिए गेट शेयरेबल लिंक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर देंगे, ये लिंक कॉपी हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर आकर सिंपल आपको इस पर पेस्ट कर देना है। देखिए आपकी वीडियो यहाँ पे खुल जाएगी। अब इसमें भी ऑप्शन आ रहा है, इस कैपेबल इन स्ट्रीम एड वीडियो डिस्कवरी एड। तो आपको पहला वाला जो है ये आपने देखा होगा कि अक्सर जब वीडियो आप चलाते हैं तो शुरू में ऐड वगैरह चलता है, और आप स्कीप ऐड करके उसको निकल जाते हैं आगे, आग भी नहीं देखना चाहते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे एड्स को लोग स्किप करके निकल जाते हैं, तो आप इसको वीडियो डिस्कवरी वाले पर लगाइए। ऐसा करने से होता है कि जब एक वीडियो चल रही है तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नंबर लग जाता है। ज़्यादातर लोग ऑटो प्ले करके देखने लगते हैं तो वीडियो चलती रहती है, या ऊपर वाली वीडियो को ही लोग क्लिक कर देते हैं देखने के लिए। तो आप सेकंड वाला ही लगाइए। और उसके बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप अपने वीडियो की हेडलाइन आप क्या रखना चाह रहे हैं। तो जैसे मैं अगर अपने इसका है, तो एक चीज़ मैं आपसे बता दूं कि आप किसी ब्रांड का नाम आप यहाँ नहीं लिखेंगे। यदि लिखेंगे तो वो वीडियो आपका इस पे गूगल एड इस पे ऑब्जेक्शन करता है और वो आपका ऐड नहीं चलाएगा। तो आप कुछ ऐसा नाम लिखिए जो कि किसी ब्रांड से रिलेटेड ना हो। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे अब बोट रॉकर्स है तो आप कॉमन नाम लिख दो, ब्लूटूथ ईयरफोन। सेकंड में है लिख दो आप बेस्ट ईयरफोन। थर्ड में आप लिख सकते हो कुछ भी वायरलेस, जो भी आपको समझ में आए। तो जब आप यहाँ पे लिख दोगे तो देखिए यहाँ पर ये आपको दिखेगा, ये जैसे मैंने पहले लाइन में लिखा था डिस्क्रिप्शन ब्लूटूथ ईयरफोन, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है। अगर मैं डेस्कटॉप मोड पे करूँ तो ये मेरी सेकेंड लाइन भी यहाँ पे दिखेगी।
इस समय नहीं आ रहा ये, अभी इन्होंने लग रहा है हाल ही में चेंज किया है अपना ये। तो ये डेस्कटॉप पे, तो आप डिस्क्रिप्शन आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर आपका शो करता है। देखिए मैंने जो पहला डिस्क लिया था, दूसरी लाइन भी शो करता है, वो डेस्कटॉप पे ही दिखेगा आपको। और एड वन में आप कुछ भी लिख दीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो, जैसा मैंने पहले ही बताया मैं ब्लूटूथ ही लिख दे रहा हूँ। ये मैं केवल आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, जब आप अपना एड डालेंगे अपने वीडियो का तो आप थोड़ा सोच समझ कर लिखिएगा आपको क्या करना है, ताकि आपके वीडियो का जो कैंपेन है वो अच्छी तरह से चले। उसके बाद आप क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करेंगे। क्रिएट कैंपेन करने के बाद ये अब आ गया आपका पेमेंट का इन्फॉर्मेशन, आप पेमेंट कैसे करेंगे। तो आप जनरली डेबिट कार्ड को ही आप सेलेक्ट करिए, इसमें ऑप्शन में नेट बैंकिंग, मनी ट्रांसफ़र, लिंक पेमेंट वॉलेट वगैरह है, तो आप इन सबसे मत करिएगा, आप सीधे आप डेबिट कार्ड से ही करिए। अब अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह यहाँ जो भी पूछता है भरिए, ऑटोमेटिक पेमेंट आप नहीं करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको मैनुअल पेमेंट पे ही क्लिक करके रखना है। आप कितना अभी देना चाहते हैं, तो मिनिमम 500 रुपये आप इस पे पेमेंट का एक साथ का ऑप्शन है, 500 से कम पेमेंट नहीं होगा। उसके बाद आई एग्री करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपसे ये पेमेंट कंफर्म करने के लिए कहेगा, तो आप पेमेंट कंफर्म वहाँ पे कर दीजिएगा। जब आप पेमेंट कंफर्म कर देंगे तो आपकी कैंपेन 24 घंटे के लिए रिव्यू में चली जाती है। रिव्यू के बाद देखेंगे तो आपकी कैंपेन की पेमेंट पेमेंट से जो आपके अकाउंट में जो आपने पेमेंट किया है वहाँ से आप देखेंगे कि जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं उस हिसाब से आपका 20 पैसे, 18 पैसे, 15 पैसे, जितना भी जो ट्रैफिक रहता है उसी हिसाब से कटता है। तो मैक्सिमम जो आपने चूंकि 20 पैसा ही डाला है, तो 20 पैसे से ऊपर आपका नहीं कटेगा, 20 पैसे से नीचे ही कटेगा। तो उस हिसाब से आपका व्यूज़ आना जिस हिसाब से आएगा उसी हिसाब से आप ये अकाउंट में से आपके पेमेंट होना शुरू हो जाएगा। जब आपका बिल पेमेंट वाला पोर्शन पूरा आपका पेमेंट का जो आपने डेबिट कार्ड से इन्फॉर्मेशन वगैरह भरी आप जब कर देंगे तो आप तो सारा सेटअप इस तरीके से फिर नेक्स्ट पेज पे खुलेगा। वहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा ये टूल्स एंड सेटिंग का, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक आ रहा है प्रमोशन का, इस प्रमोशन पे आप क्लिक करेंगे। प्रमोशन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये जो आपने ईमेल आईडी से आपने प्रमोशन कोड जो आपने कॉपी किया था वो आपको यहीं पर पेस्ट करना है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मैंने जो भी इसमें बताया, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ आपको इसमें न समझ में आई हो जो कि मैंने बताया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर आपको क्लेरिफाई कर दूंगा कि इसको कैसे करना है। या अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाकर उसी चीज़ के लिए मैं आपको फिर से बता दूंगा। जो भी चीज़ें मैं इसमें कमी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।